ये देखो बारिश, नाली तूफान। बेबी नहीं बेबी, चलो अंदर। हाय हाय कर दो, हाय कर दो। मोबाइल लगा दिया। डैडा सो रहे हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है, गुड इवनिंग हो गया है। सो आज मैंने शूट सुबह से नहीं किया क्योंकि आज सैटरडे थे, आज बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि डैडा का हाफ डे होता है तो वो भी काम बढ़ जाता है। और डैडा आके सो चुके हैं खा पी के, अभी बज रहा है 5:30 और मस्त वेदर हो रखा है, बारिश हुई है। उनको दिखाते हैं, वो बारिश हुई है और अभी और बारिश होगी। वेदर देखो, देखो काला बादल, दिखा काला बादल, तो अभी और बारिश होगी। मस्त ब्यूटीफुल वेदर। इतने अच्छे वेदर में चाय नहीं पिया तो फिर क्या पिया। सो चाय बन गया है और अभी हम चाय पियेंगे। डैडा अभी नहीं उठने वाले, वो उनको चाय बाद में चाहिए, तो मैं जा रही हूँ चाय और बिस्किट खाने। आदमी अभी उठा है 10-15 घंटा पहले, तो मैंने उसको इवनिंग स्नैक्स खिला दिया है। और हम जाने वाले हैं बाहर कुछ काम से, और वो काम क्या है मैं बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी, हमेशा बोलती हूँ। सो फटाफट चाय पी लेते हैं, फिर डैडा को उठाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो इतना उठने वाले नहीं। उनको धकेल धकेल के पुश करके चिल्ला चिल्ला के उठाना पड़ता है, क्या किया जाए। और ये कपड़े मैंने धुल लेते हैं तुरंत, जैसे ही बारिश आए उतारा, इसको मेरा फैला देते हैं पहले, अभी भी गीला है। सो करेंगे चाय पियेंगे, फिर बाहर जाते समय आप लोग समझते हैं और अपडेट देती हूँ कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं। ये देखो कपड़े फैला दिए मैंने यहाँ पे ताकि सूख जाए। और ये भाई साहब घूम घूम के मोबाइल में देख रहे हैं, चलो इधर आओ, आज बेटे चाय पी लेते हैं। भैया पहले जा चुका है, अब बेबी पानी आओ। बारिश देखो क्या भयंकर वाली हो रही है। बेबी हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। नहीं नहीं तुम मत, अरे तुम नहीं आना बेटे। ओह उधर देखो, ये देखो बारिश, नाली तूफान। बेबी नहीं बेबी, चलो अंदर। वाओ बेबी बारिश हो रही है, वाओ बारिश हो रही है, वाओ लाइटनिंग हो रही है, वाओ हम लग नहीं रहा है कि बाहर जा पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। वाओ ये कितना अच्छा मौसम हो गया, ठंड लगी नहीं, ठंड लगेगी रात का मजा आएगा सुनने में, है ना बेबी। बल्ले बल्ले कर दो, बल्ले बल्ले, अशावा अशावा। देखो पानी पूरा अंदर आ रहा था, देखो बारिश, वाओ वाओ बारिश तो देखो, वाओ वाओ क्या मौसम है, वाह 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 मजा आ गया। ये तुम कहाँ चढ़ रहे हो बेटे, देखो इसका देखो, ओए लड़के चलो। वाओ देखो बारिश भयंकर हो रही है, आदमी तो रेडी हो गया है लेकिन लाइट भी नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, तो हम कैसे जाएंगे बेटे। हाँ हाय कर दो, हाय। अच्छा द व्हील्स ऑन द बस गो, द डोर्स ऑन द बस गो, अच्छा द मम्मीज ऑन द बस गो, द डैडीज ऑन द बस गो, द हॉर्न्स ऑन द बस गो, अच्छा एंड देन द वाइपर्स ऑन द बस गो, ये मेरे स्मार्टी। अच्छा जॉनी 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 ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ, हाँ 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 स्मारी। वाओ बेबी बारिश, वाओ वापस आओ, वापस जल्दी वापस आओ, जल्दी वापस आओ, आई नाना नहीं अंदर आओ, वाह गुड बॉय। घर में लाइट नहीं है, बारिश अभी भी हो रही है, बाहर जाना है, कैसे जाएं, लग तो नहीं रहा कि आज जा पाएंगे। राधविक बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है कि पूछो नहीं, उसको बारिश तो ऐसे पसंद आ रहा है जैसे कि उसको बहुत बारिश में भीगा है। आई थिंक मे बी बिकॉज अभी शावर में नहाता है ना, तो उसको शावर जैसा फील आ रहा है बारिश में, इसलिए भी। और डैडा को तो जैसे ही मौका मिला भाग गया अपने चाय वाले भैया के पास।
चलो कोई नहीं, लेट्स सी अगर जा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल जाएंगे। कल वैसे भी बाहर जाना था और आज वाला काम भी कल करेंगे। मौसम का लुक तो उठाते हुए, बट लाइट तो आ जाए नहीं लगता मेरा भी। आदमी की मस्त है देखो, बेचारा अपना साइकिल में लगा हुआ है, टाइम पास हो रहा है उसका। पहले फ्रूट्स को बास्केट में रख रहा है, फिर साइकिल गिरा रहा है, फिर उसके बाद वापस से रख रहा है, गिरा रहा है। नाउ हाय कर दो, एप्पल, गुड बॉय, एप्पल है वो, खेल रहा है, उसको खेलने देते हैं। बनाना, ओ वाओ बेबी, बनाना को नाना बोलता है। ये देखो हम लोग निकल गए। चलो चल नहीं पड़ा है हवा के प्रेशर की वजह से, फिर भी जाना है इसको, बोल रहे दे दो, बारिश रुक गई है तो हमने सोचा थोड़ा सा एटलीस्ट टहल के आते हैं। चलो बेटे चल, पा नहीं लेकिन तुमको चलना है यहाँ, चलो चलो फटाफट चलो। डैडा कहाँ है, वही चाय वाली तबरी की बात तो ढूंढते उनको। फाइनली बारिश रुक गई है, आदमी को तो छाता में देख लिया कैसे दौड़ते दौड़ते आया, और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। इतना हवा चला आदमी के लिए, मैंने कैप ले लिया, आई थी मैं उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, ले तो लिया, पैसे कम पड़ गए, और डैडा गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रही हूँ उनके साथ पैसे लेने के लिए। गजब करते हैं, ये नहीं कि कम से कम साथ रहे हैं। इसे लेके वापस जा रही हूँ, मान तो ले लिया, अब चलते हैं घर, फिर दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। सब करना है, कैप आ गया है, अब लाइट नहीं है, उजाला नहीं है तो दिख नहीं रहा, अब घर चल के मिलेंगे फिर बताएंगे क्या क्या लिया। ये लड़का इतना बदतमीजी कर रहा है ना, क्या बना। चलो बेटे लाइट नहीं आई है, तो जब लाइट आएगी तब मैं आप लोगों से मिलूंगी। उसको मैंने बॉल दिलाया था, देखो ये, चल बेटे फेंक रहा है सारा। गाइस हम लोग घर आ गए हैं और लाइट भी आ गई है। सो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हमने क्या क्या खरीदा है। मैं और आदमी कभी घर पे हैं, डैडा गए हैं बाहर आवारा गर्दी करने, तो उनको आवारा गर्दी करने देते हैं। हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या खरीदा है। ओके चलो शॉपिंग गए, तो सबसे पहले आदमी का कैप उड़ गया था ना, तो नया कैप लेके आए हैं उसके लिए, इसमें लिखा हुआ है बॉय, और इस बार मैंने रेड कलर लिया क्योंकि ग्रीन कलर पहन चुका था, तो इसलिए और कोई कलर नहीं है। मैं पहन कर दिखा स्मार्ट बॉय, हाय बेबी स्मार्टी, कैसा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है ना, स्मार्ट है ही मेरा बेटा। सो इस अदर साइड साइड से लगा लो बेटे, साइड से, ये यो करना ऐसे कर यो, ठीक है। सो ये कैप लिया हमने, और फिर साथ में वहीं से अभी इसमें लाइट भी है, और आज लाइट भी जलता है देखो तो, और गिरा दिया। सो ये करेगा हम लोग पकड़ो, तो ग्रॉसरी शॉपिंग क्या, आदमी का ड्राई फ्रूट पाउडर खत्म होने का था, जो मैं घर से 3 महीने पहले बना के लाई थी, 3-4 महीने मतलब जब मैं फेब में आई थी ना, हाँ तो मैं एक डब्बा अच्छे से बना के लाई थी, और वो अभी तक चल रहा था, तो अब जाके वो खत्म हुआ है। तो फिर इस बार बेटा नहीं करो, सो इस बार मुझे पठानकोट से ही सामान खरीदना पड़ा, तो मैंने बोला वो खत्म होने का था तो मैंने बनाया, मैंने सोचा आदमी के ड्राई फ्रूट पाउडर बना देते हैं। पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 250 ग्राम पिस्ता, ये छिला हुआ नहीं मिलता है और अनसॉल्टेड नहीं मिलता, तो ये लिया है, इससे इसको छिल के सॉल्ट डालेंगे। जब मैं बनाऊंगी ड्राई फ्रूट पाउडर, ऑलरेडी मैंने बना के एक रेसिपी डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ये तो मैं वापस से बना रही हूँ। और ये दाल, ये रोस्टेड चना दाल है, थोड़ा सा वो भी डालती हूँ अच्छा रहता है। 250 ग्राम वॉलनट, 250 ग्राम आलमंड, और 250 ग्राम काजू कैशियो। सो ये लिया है हमने ड्राई फ्रूट पाउडर के लिए, आप इसमें मखाना भी डाल सकते हो, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें सिनेमन पाउडर भी डालूंगी, तो वो भी लिया है मैंने, और आप इसके साथ थोड़ा हल्दी भी इसमें थोड़ा सा मिक्स करना, और कॉकटेल्स भी डाल सकते हो आप, मखाना भी डालो अच्छा होता है बच्चों के लिए। उसके अलावा मैंने लिया है ये चिया सीड्स, जो मैं आदमी को देती हूँ और मैं खुद भी खाती हूँ कभी कभी, इसको आपको पानी में सो करके पीना होता है, तो वो समर के लिए अच्छा होता है, तो मेरे पास था जो खत्म होने को था, तो मैंने एक से और लेके आई हूँ ये। और मुझे पिंक सॉल्ट दिख गया, पिंक हिमालयन सॉल्ट दिख गया था, तो मैंने बोला कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं यही नमक यूज़ करूँ, और ये अच्छा भी होता है, सेंधा नमक हिंदी में इसको बोलते हैं, लिखा भी है सेंधा नमक। तो ये लिया हमने,
और उसके अलावा हमने लिया है विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, जो ये मैंने अपने लिए लिया है। मैंने बोला कि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी काम किया जाए, और ये मैं पहले लेती थी, अब बंद हो गया था तो मैंने बोला क्यों नहीं वापस से। सो दिस मच, बस यही सब लिया हमने। सो इतना सारा सामान, और ये आदविक का, कम्प्लीटली आदविक के लिए था, मेरे लिए सिर्फ ये है। और सॉल्ट दो सबके खाने में हम यूज़ करते हैं, तो इसको ऐसा नहीं कि थोड़ा, अब वाइट सॉल्ट से अच्छा पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, आप रेगुलर बेसिस पर भी इसको थोड़ा यूज़ करोगे तो बेटर है। या यही सब खरीदा हमने, और आदविक उस रूम में अब तबाही मचा रहा है, तो मैं उसको जाती हूँ पकड़ने के लिए। ये रहा सारा सामान, और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे घी खरीदना था, सो वो हम कल लेंगे, क्योंकि शॉप जहाँ से लेते हैं वो शॉप बंद हो गई थी। और उसके अलावा हनी मुझे लेना था, वो भी प्राद्विक का एक पाउडर है जो मैं मिल्क में देती हूँ उसको, वो लेना था। सो वो सब नहीं हो पाया, दो तीन आइटम्स हैं जो नहीं ले पाए हम, जो हम कल लेंगे। सो होपफुली हम कल जाके वो लेके आएंगे, क्योंकि घी ख़त्म होने वाला है और मैं आदविक को बाहर का घी नहीं देती हूँ, तो अभी घी खत्म हो गया था तो डैडा आदविक का ही घी यूज़ कर रहे थे, और आदविक का भी जो घी मैंने बना के रखा है उसके लिए वो भी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई आपके लिए लेके आते हैं, नहीं तो आदविक का ही घी यूज़ करेंगे आप तो फिर मैं उसको कहाँ से ला के दूँगी, क्योंकि मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ उसके लिए। सो वो है, और आज तो बारिश ऐसा हुआ कि क्या ही बताओ, अगर हम जल्दी गए होते तो मिल जाता, बट मौसम अच्छा हो गया, अब इसी बहाने बारिश आई और आदविक को भी बहुत मज़ा आया, और अब मौसम अच्छा हो जाएगा, मानसून आ रहा है, मतलब समर जा रहा है, ऑब्वियस था, अगर मॉनसून आ रहा था समर जाएगा ही जाएगा। एनीवेज, सो ये ड्राई फ्रूट पाउडर का मैं कल बनाऊंगी या तो फिर मंडे को बनाऊंगी, और जब बनाऊंगी तो आप लोगों को इसका रेसिपी वापस से दिखाऊंगी। बट अगर आपने, आपको पहले से ही जाना है और अगर आपको रेसिपी चाहिए, तो मेरा ऑलरेडी एक रेसिपी बना के रखा हुआ है ड्राई फ्रूट पाउडर का, डू चेक आउट दैट वीडियो। और आई थिंक आज के लिए इतना ही, आई सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी, बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, एंड ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड आप लोग भी मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से या मेरा वीडियो देख रहे हो, और आपके साइड बारिश हुई है क्या आज के डे में, आपकी सिटी में बारिश हुई है तो जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ, और नहीं तो फिर अपने आके भी बारिश का वेट करो, होगा बारिश। देखो सारा कपड़ा फैला दिया, बेबी टाटा कर दो, टाटा गुड नाइट, किचे दे दो, किचे दे दो, देखो तो हम खाली कर रहे हो, तारा तारा, ओके बाय बाय, आ देखो कैसे फिरा ना बोल, गंदा बच्चा, गंदी बात नहीं बेटे, लो चलो फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ कल, और आदमी को जा रही हूँ डिनर करा ले, तारा बाय बाय।